गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट होती है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक होता है कैपिटल का, उसमें अगर हम कुछ एडिशन कर देते हैं, यानी उसमें और हम स्टॉक ऐड कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारे पास इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन आउटपुट और इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट एक रुपये से बढ़ रही है तो हमारी जो इनकम है वो 3 रुपये से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारी इनकम इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से जितनी हमारी इनकम में इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इट इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन चेंजिंग इनकम एंड चेंजिंग इन्वेस्टमेंट। यानी हमारी इनकम में इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से डोनेट करते हैं। ठीक है, देखो के इज इक्वल्स टू चेंजिंग इनकम वाई, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं और ये हमारा साइन होता है चेंजिंग का, क्योंकि देखो के इज इक्वल्स टू चेंजिंग इनकम अपॉन चेंजिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो इसको हम हमारा इसका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/(-MPCB) होता है। ठीक है, और एक हमारा वन माइनस एम पी सी को हम एम पी एस लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हमारा 1-MPC है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एम पी एस। ठीक है, तो देखो हमारा के का फॉर्मूला 1/(1/MPCB) होता है और इसको हम 1/MPS भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हो गया, हमारा जो मल्टीप्लायर होता है ये हमारा रेसिप्रोकल होता है ऑफ एम पी एस। यानी देखो जितना ज़्यादा हमारा एम पी एस होगा उतनी कम हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। यानी देखो अगर आपका सेविंग्स आपकी सेविंग्स इकोनॉमी अगर आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे। सेविंग ज़्यादा कर रहे हो, सेविंग से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर आप सेविंग ज़्यादा कर रहे हो अपने पास तो आप इन्वेस्ट तो कर ही नहीं पाओगे ना, इन्वेस्टमेंट कम होगी आपकी, जाहिर सी बात है। क्योंकि और वहीं अगर हम एम पी सी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन देखें तो वो प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा एम पी सी होगी उतनी ज़्यादा ही हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, और अगर हम एम पी एस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का देखें तो वो हमारा रेसिप्रोकल होता है। जितनी ज़्यादा हमारी एम पी एस होगी यानी जितनी ज़्यादा हमारी सेविंग होगी उतनी ही कम हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, इसमें देखो हमें एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो जैसे हमें यहाँ पे के फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें के फाइंड करना है, के यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, हमारी इनकम इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, मानो कि हमारा चेंजिंग इन्वेस्टमेंट दिया है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ है 100 का, यानी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो हमारी इनकम में कितने का चेंज हुआ है, 1000 का। ठीक है, अब देखो हमें के निकालेंगे, यानी कितने टाइम्स हमारी इनकम में चेंज हुआ है, हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होंगे की वजह से, तो कैसे निकालेंगे, के का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, चेंजिंग इनकम अपॉन चेंजिंग इन्वेस्टमेंट। के इज इक्वल्स टू चेंजिंग इनकम हमें कितनी है 1000 और चेंजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है 100। तो हमारे पास के कितना आ गया 10, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया 10। यानी हमारी अगर इनकम में इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से 10 गुना चेंज हो रहा है, 10 टाइम्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हम इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसके APC MPC सबके पहले ये चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद एंड में इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या, 101% आप बोलिए।